हेलो एंड वेलकम टू नॉक स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉक स्टडी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 60 अफसरों की नौकरी बरकरार रखी है। जी हां, छठी जेपीएससी के संशोधित मेरिट लिस्ट से बाहर हुए 60 अफसरों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी रखने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस योगा की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 28 जुलाई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। संशोधित मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अफसरों ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इनकी ओर से कहा गया था कि पेपर वन हिंदी और अंग्रेजी का अंक कुल प्राप्त अंक में जोड़ा जाना सही है, यह क्वालिफाइंग पेपर है। जेपीएससी ने पेपर वन के अलावा किसी भी अन्य पेपर में न्यूनतम अंक लाने की शर्त नहीं लगाई है। जेपीएससी ने विज्ञापन में यह शर्त रखी थी कि पहली मेरिट लिस्ट इसी नियम के आधार पर जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों को मानते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया। क्या था मामला? छठी सिविल सेवा परीक्षा के बाद 326 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की थी। इन्हें नियुक्त भी कर दिया गया था। इस बीच मेरिट लिस्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद लिस्ट से बाहर हुए छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे।